दोस्तों वेलकम है आपका पेट्स होलिक में। आज जो हम लेकर आए हैं बर्ड्स का बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन लेकर आए हैं, अलग अलग वैरायटी के बर्ड्स लेकर आए हैं हमने। हमारे पास स्टॉक अवेलेबल हुआ है बहुत ही अच्छा बर्ड्स का, तो हम एक एक करके सब वैरायटी दिखाएंगे आपको और बर्ड्स बताएंगे कौन कौन से आए हैं, कितनी एज के आए हैं। ठीक है, तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं। तो आप लोग ये देख सकते हैं हमारे पास इसके अंदर यूविंग ऑफलाइन माशाल्लाह बहुत अच्छी क्वालिटी में, और ग्रीन ऑफलाइन का एक पेयर है हमारे पास इसके अंदर। आप लोग देखिए यूविंग ऑफलाइन है हमारे पास इसके अंदर, मान के चलिए आप 6 पीस यानी 3 पेयर, और ग्रीन ऑफलाइन का एक पेयर है। आप इनकी मार्किंग देखिए, हेड का क्लियर देखिए आप, हेड माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त क्लियर है इनका। ये क्वालिटी के अंदर हमारे पास बर्ड्स अवेलेबल हुए हैं। इनके डीएनए अब हम बनने देंगे, डीएनए के साथ जिसको चाहिए डीएनए के साथ भी मिल जाएगा और विदाउट डीएनए भी मिल जाएगा। आप लोग देखिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी में 6 यूविंग ऑफलाइन और 2 ग्रीन ऑफलाइन अवेलेबल हैं हमारे पास। इससे पहले जो ग्रीन ऑफलाइन आए थे वो जा चुके हैं, इससे पहले हमने आपको दिखाए थे कुछ दिन पहले ग्रीन ऑफलाइन का भी एक स्टॉक था, वो जा चुका है। तो आप देखिए मार्किंग वगैरह देखिए, क्वालिटी देखिए, सेमी एडल्ट के अंदर लॉट अवेलेबल हुआ है। डीएनए कार्ड अभी देंगे हम, कोई जो विद डीएनए लेना चाहता है वो विद डीएनए ले सकता है, जो विदाउट डीएनए लेना चाहता है वो विदाउट डीएनए ले सकता है। आप लोग देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छी क्वालिटी के बर्ड्स है। तो ये हो गया एक कलेक्शन, पहला केज हमारा। अब दूसरा केज की तरफ हम बढ़ते हैं, आपको दूसरा केज बताते हैं। ये सब है हमारे पास, और इसके अलावा आप यहाँ पर देख लीजिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छी फ्रंट पे हमको एक पेयर दिख गया, वॉलेट पीच फेस का हमारे पास ब्रीडिंग पेयर अवेलेबल हुआ है। वॉलेट पीच फेस नॉन रिंग वेराइटी है, उसके पीछे ही आपको एक सेमी एडल्ट का पट्टा दिख रहा होगा ग्रीन रोजी ऑफलाइन का। ठीक है, ऑरेंज हेड के अंदर जो अभी छोटे 2 है पट्टे हमारे पास, उसके ही पीछे आपको अल्बाइनो रेड आई की फीमेल दिख रही होंगी, उसके नीचे ही वाइट फेस का मेल दिख रहा होगा आपको। बहुत ही अच्छा ब्रीडिंग पेयर ये भी अवेलेबल हुआ है हमारे पास। आप लोग देखिए बड़ा अच्छा कलेक्शन अवेलेबल हुआ है इस बार भी, जो इससे पहले कॉकटेल दिखाए थे वो सब भी जा चुके हैं, वाइट कॉकटेल वगैरह। उसके ही साइड में हम देखते हैं तो बहुत ही अच्छा पेयर अवेलेबल हो गया है हमारे पास, फोन कलर का एक सेमी एडल्ट का कॉकटेल का बच्चा है, और एक उसके ही बाजू में कॉमन वाइट का, मेल फीमेल का बता नहीं सकते, उम्मीद है कि मेल फीमेल ही निकलेंगे। तो क्योंकि ये सेमी एडल्ट का, उसके पीछे जो अल्बाइनो की फ़ीमेल आप लोगों को दिख रही है रेड आई की, वो कन्फर्म एडल्ट फीमेल है, उसके साथ ये वाइट फेस का मेल लगा हुआ है। उसके ही अलावा जो बाजू में आपको रोजी का पेयर दिख रहा है वो भी ब्रीडिंग पेयर है, उनने ब्रीड करा हुआ है पहले, जिसमें से इसमें 2 ब्रीडिंग पेयर है ये वाले केज में, और 2 सेमी एडल्ट के पेयर है, जिसमें आपको एक रोजी पीच पे रोजी ऑफलाइन का दिख रहा होगा ऑरेंज हेड का, और इधर एक कॉकटेल का पेयर दिख रहा होगा, ये दोनों सेमी एडल्ट के हैं। बाकी जो हमारा वॉलेट पीच फेस का है और वाइट अल्बाइनो कॉकटेल वाइट फेस का है, 2 ब्रीडिंग पेयर है हमारे पास। तो दूसरा केज ये था हमारा जो हमने आपको दिखाया, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है, ये वाला भी आपको दिख रहा होगा। और उसके अलावा तीसरा केज दिखा देते हैं आपको, तो बड़ी अच्छी तरीके से वे पेयर बैठा हुआ है साथ में, लेकिन पेयरिंग इन्होंने अभी करे है फिलहाल ये, क्योंकि अलग अलग जगह से हमारे पास विद डीएनए में हमारे पास रेड आई की फीमेल है, लुटीनो रेड आई की विद डीएनए की फीमेल है, उसके अलावा वाइट बुल का मेल है या ना अल्बाइनो ब्लैक आई का मेल है, ये इन्होंने पेयरिंग कर चुके हैं। इसके अलावा इसमें एक यूविंग ऑफलाइन का पीस डला हुआ है, आप देखिए लुटीनो रेड आई की फीमेल फुल मार्किंग के अंदर है माशाल्लाह, ये देखिए आप ज़बरदस्त फीमेल है, और वाइट बुल का मेल भी ज़बरदस्त पेपर वाइट के अंदर है, बहुत ही अच्छा। उसके अलावा यूविंग ऑफलाइन एक डला है इसके अंदर, ये देखिए आप लोग, ये पेपर वाइट के अंदर पीस है हमारा वाइट बुल का, और लुटीनो रेडाई की फीमेल है, ज़बरदस्त क्वालिटी के अंदर है ये भी माशाल्लाह। तो ये तीसरा केज हो गया था, अब चौथी केज की तरफ बढ़ते हैं हम। तो ये देखिए ज़बरदस्त स्टॉक अवेलेबल हुआ है गोल्डियन फिंच की, इससे पहले आपने वीडियो ज़रूर देखे होंगे उम्मीद है, तो आपने उसमें देखे होंगे हमने बताए थे कि गोल्डियन फिंच ये लोकल यहीं की पैदावार हमारे पास, यानी यहीं के
हैच हुए हुए बच्चे अवेलेबल हुए गोल्डियन फिंच के, सेमी एडल्ट बच्चे हैं अभी ये सब, ठीक है। तो ये पूरा स्टॉक बहुत अच्छी क्वालिटी में ज़बरदस्त मार्किंग के साथ अवेलेबल हुआ है, जो आपको मालूम है। अभी ये इनके कलर पूरे क्लियर करेंगे, आप में गोल्डियन फिंच देखते हो तो इनके ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त कलर रहता है। फिंच की वेराइटी में सबसे अच्छे कलर में मुझे तो गोल्डियन फिंच ही लगती है माशाल्लाह, क्योंकि 3-4 कलर एक साथ रहते हैं इनके ऊपर। तो ये बहुत ईजीली ये पूरा स्टॉक इंशाल्लाह यहीं के उसमें पला हुआ है हमारे यहाँ पर ही, यानी मध्य प्रदेश में। जिससे इससे पहले वीडियो में पूरी डिटेल बताया था कि ब्रीड नहीं कर पाते, लेकिन ये यहीं पे हुए हुए है, ठीक है। मध्य प्रदेश बोले तो मध्य प्रदेश के थोड़ा बाहर, यानी लोकल के ही है, फिर भी लोकल के बोलेंगे हम इनको कि यहीं लोकल में ब्रीड हुए हुए ये। तो आप लोग देखिए, बड़ी अच्छी क्वालिटी में सेमी एडल्ट के गोल्डियन फिंच का पूरा स्टॉक अवेलेबल हुआ है। जो कोई इंटरेस्टेड है जो भी बर्ड्स के अंदर, वो डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ हमारा नंबर मिल जाता है, कांटेक्ट करें हमें। जो भी बर्ड्स में, ये देखिए आप, बहुत अच्छी क्वालिटी में स्टॉक, ये भी गोल्डियन फिंच का है। और अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्टेज की तरफ, तो वहाँ पर भी दिखा देते हैं क्या अवेलेबल है हमारे पास। तो आप लोग देखिए, यहाँ पर बड़ी अच्छी क्वालिटी में ब्लू ऑफलाइन के पीस अवेलेबल हुए हैं। आपको मालूम है इतनी इजीली ब्लू ऑफलाइन भी नहीं मिल पाते, इनकी मार्किंग वगैरह चेक करिए आप लोग। एक वॉलेट ऑफलाइन है इसके अंदर, दो ब्लू ऑफलाइन है, बहुत अच्छी क्वालिटी में। हेड वगैरह भी देखिए इनके, अभी से माशाल्लाह बहुत छोटे, फिर भी अभी से बहुत ही अच्छे क्लियर है। अभी तो पूरे वाइट, यानी फुल अल्बाइनो हेड हो जाएंगे इनके भी। ये ब्लू अपलाइन के 3 पीस विदाउट डीएनए अवेलेबल हुए। इनके भी डीएनए अब हम देंगे करने के लिए, जिसको विदाउट डीएनए चाहिए वो विदाउट डीएनए ले सकता है, जिसको विद डीएनए चाहिए वो विद डीएनए ले सकता है। प्राइस में थोड़ा सा फ़र्क आता है, विद डीएनए थोड़ा ज़्यादा का रहता है, विदाउट डीएनए थोड़ा कम का रहता है। तो 3 पीस हमारे पास ब्लू ऑफलाइन के भी अवेलेबल हुए हैं। तो ये हमारा स्टॉक माशाल्लाह बहुत ही अच्छी क्वालिटी में बहुत सारे स्टॉक अवेलेबल हुआ है अभी हमारे पास बर्ड्स का। आपको हमने ये सब दिखाए अलग अलग केज के अंदर, अलग अलग वैरायटियों का हमने जो इससे पहले दिखाए थे वो सब जा चुका है हमारे पास से। तो ऐसे नए नए स्टॉक आप देखते होंगे हमारे पास आते हैं, सभी चीज़ों के अंदर आते हैं, बर्ड्स में, कैट्स में, ठीक है। और बहुत सारी अलग अलग वैरायटी, अभी इसके बाद हमारी एक और वीडियो आएंगी जो बहुत ही अच्छी है, चिकन के ऊपर है, फैंसी चिकन का एक स्टॉक आने वाला है हमारे पास, तो उसके ऊपर भी वीडियो आपको मिलेंगी देखने को। तो अपने भाई को आप बस सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। तो ऐसे ही मैं नए नए वीडियो लाते रहूँगा अलग अलग टॉपिक के ऊपर, अलग अलग बर्ड्स, अलग अलग पेट्स में अलग अलग वैरायटियां आपको दिखाएंगे, क्योंकि मुझे खुद को पर्सनली सभी चीज़ का शौक है, सब चीज़ का ऑलराउंडर शौक है अपना पेट्स के अंदर, हर चीज़ का है। तो मेरा भी यही रहता है कि आप लोगों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा जितनी अच्छी अच्छी चीज़ दिखा पाऊँ वहाँ तक के मैं पूरी कोशिश करता हूँ। तो इसलिए हम अलग अलग अभी बर्ड्स के अंदर भी म्यूटेशन वाले भी ला रहे हैं बर्ड्स की, आप लोगों को फ़ायदा हो जाए थोड़ा, क्योंकि देखिए मेरा जो है मार्केट प्राइस आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी कम प्राइस का ही काम है। हर चीज़ में मार्केट से तो कम ही प्राइस आएगा, चाहे वो कितना भी हो, आप चेक कर सकते हो उस चीज़ को। तो हर चीज़ में, जो भी पेट्स की, जो भी वेराइटी में आप लोगों को दूंगा, जो जिसमें भी आप लोग इंटरेस्टेड रहेंगे। तो ये देखिए, बस ये है थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आई होंगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो का हमारी लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही नए टॉपिक के साथ।